तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपसे शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपको जरूरत पड़ता हुआ यार वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का, या फिर आप कोई भी क्रिएटर हो, आप फेसबुक पे वीडियो अपलोड करते हो, रील्स बनाते हो, इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ता होगा वीडियो में एडिटिंग करने का, क्योंकि एडिटिंग करने के बाद जो वीडियो है बेहतर लगता है। ठीक है, आपको कटछट करना ही पड़ता है, कभी कभी ज्यादा करना पड़ता है। ऐसे में आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च करते हो कि यार कौन सा एप्लीकेशन है जो बहुत बढ़िया और बहुत आसानी से वीडियो मेरा एडिट कर दे, और आप ढूंढते हो, एक यूज करते हो बढ़िया नहीं लगता उसको हटा दो, दूसरा लाते हो उसको यूज करते हो वो भी बढ़िया नहीं लगा उसको भी हटा दिया, फिर बहुत सारे एप्लीकेशन जो हम लोग को यूज भी करने नहीं आता है। उसी तरह सिस्टम में भी अगर आप कोई एप्लीकेशन को यूज करो और आपको नॉलेज नहीं है उस एप्लीकेशन के बारे में, बहुत प्रॉब्लम होता है उसको यूज करने में, तो मैं आज आपको एक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ सिस्टम के लिए बेसिकली है वो। अगर आप लैपटॉप में आप लैपटॉप यूजर हैं और लैपटॉप में एडिटिंग करते हैं तो बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है, और मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, भी वीडियो एडिट करके भी दिखाऊंगा। फिल्मोरा 9 एप्लीकेशन का नाम है फ्रेंड्स, ये आपको गूगल पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और चलिए यूज कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और आपको एक छोटा सा वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा, प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे हम लोग इस वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आपको जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का थीम आपको दिखेगा अपने स्क्रीन पे, आपके लैपटॉप के स्क्रीन पे इस तरह का थीम आपको देखने को मिलेगा, ये एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगा तो आपको पूरा थीम आपको दिखेगा, पूरा जो उनका सेटअप है वो सब कुछ यहाँ पे दिखने लगेगा आपको। देखिए, उसके बाद फिल्मोरा 9 ऊपर आ रहा है और यहाँ पे आपको दो चीज आया है, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। ठीक है, दो चीजें इसमें से बता दें कि जो न्यू प्रोजेक्ट है ना वो आपको नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको चूज करने के लिए बोलता है, ओपन प्रोजेक्ट है वो अगर आप पहले से कोई प्रोजेक्ट बनाकर रखे हैं तो यहां से उस प्रोजेक्ट को आप ओपन कर सकते हैं और फिर से उस प्रोजेक्ट में एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अभी हम लोग को क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, नया प्रोजेक्ट बनाना है, इसको मैंने सिंपली कर दिया क्लिक। उसके बाद देखिए ये पूरा थीम, ये पूरा सेटअप आपको ऐसा कुछ दिखेगा, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फिल्मोरा का ये सेटअप है, यहाँ से वीडियो वगैरह एडिट किया जाता है फिल्मोरा में। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं सब कुछ, पहले टूल्स वगैरह थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको करवा देते हैं। ठीक है, ऊपर में आपको दिख रहा होगा फिल्मोरा 9, और उसके बाद फाइल, एडिट, टूल्स, व्यू, एक्सपोर्ट और हेल्प का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आप बेसिकली सारे टूल्स को समझ रहे होंगे इसका क्या काम है, नाम से आप समझ रहे होंगे, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे आते हैं मीडिया, ऑडियो, टाइटल्स, ट्रांजिशन, इफेक्ट्स एंड एलिमेंट्स। आई थिंक 80% ऑप्शन जो है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। मीडिया में आपको जितना भी आपका जो इसको ओपन कीजिएगा तो आपका जहाँ पे वीडियोस वगैरह रखा होगा उस लोकेशन को वो सर्च करेगा। ठीक है, ऑडियो से आप गाना ला सकते हैं अपने फाइल से भी, और यहाँ पे भी बहुत सारे आपको ऑडियो मिलेंगे बाय डिफॉल्ट, उसको आप चूज कर सकते हैं। टाइटल्स में आप कुछ लिख सकते हैं, मतलब टाइपिंग कर सकते हैं, कोई टाइटल्स वगैरह दे सकते हैं, आपको टेक्स्ट जो ऐड करना होता है वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन में इफेक्ट वगैरह जो है वो कैसे आएगा, क्या आएगा वीडियो वगैरह, वो चीज़ आप पे कर सकते हैं। इफेक्ट्स में भी वही चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। एलिमेंट्स में कुछ ऐड कर सकते हैं, फोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मीडिया में अभी हम लोग हैं। ठीक है, तो कोई मीडिया हमको यहाँ पे लाना है। ठीक है, आपको अपना कोई वीडियो यहाँ पे लाना है तो सिंपली इस जगह पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने बाद देखिए ऑटोमेटिक आपका कोई एक फाइल बाय डिफॉल्ट जो मैंने पहले यूज किया था वो फाइल यहाँ पे खुल गया। ठीक है, जैसे मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ तो उसका कुछ वीडियोज है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, अगर इस वीडियो को एडिट करना है, देखना है कि ये वीडियो कितने मिनट का है और आपको कितने मिनट का इसको बनाना है, तो सिंपली आपको देखिए यहाँ पे जाना और ये प्लस वाला साइन है इसको क्लिक करना है, और उसका जो मैच टू मीडिया पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक नीचे में आ जाएगा, नीचे वाले सेक्शन में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ, यहाँ पे आपका वीडियो आ गया। अब इसको आपको शुरू से आना है स्टार्टिंग में और इसको प्ले करके देखना है। ठीक है, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे। ठीक है, अब मान की चिल्ली कि हमको कहीं पे इसको अगर एडिटिंग वगैरह करना है या फिर कट छट करना है तो हम लोग क्या करेंगे। अगर उसके बाद दूसरा ऑप्शन का हम पहले इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऑडियो इसको हम लोग कैसे लाते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑल पे कीजिएगा तो आपके पास बाय डिफॉल्ट जो ऑडियो है जो ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है वो सब कुछ यहाँ पे खुल गया, यहाँ से आप ऑडियो ले सकते हैं। प्लस पे जैसे ही क्लिक किया मैंने तो देखिए नीचे में ऑडियो आ गया। ठीक है, अब इस पर अगर चाहें तो इस ऑडियो को आप सुन सकते हैं।
और इसको आगे पीछे कर सकते हैं, अपने वीडियो के साथ इसको मैच कर सकते हैं। मैं आपको सुनाकर दिखाता हूँ, देखिए मेरा वीडियो का मैंने अभी साउंड नीचे से इसको स्क्रॉल करके कम कर दिया और ये म्यूजिक का जो साउंड है वो बज रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑडियो दिखा दिया। टाइटल अगर आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है, टाइटल आप अगर यूज करना चाहते हैं, सॉरी, टाइटल अगर यूज करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पे जाएंगे टाइटल पे और यहाँ पे ऑल्स दिख रहा होगा, यहाँ पे चले जाइए। देखिए बहुत सारा टाइटल्स का थीम वगैरह यहाँ पे आ गया, ठीक है, आप जो भी लेना चाहें। मान लीजिए चल के हम इसको लेते हैं, यहाँ पे प्लस जैसी कीजिएगा, देखिए आपका ये सेक्शन जो है टाइटल वाला सेक्शन यहाँ पे आपका आ गया, देखिए वीडियो में, और यहाँ पे यो टाइटल है। और यहाँ पे आप चाहे तो इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सामने खुल गया, आप यहाँ से अपने टाइटल को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी टाइप कीजिएगा यहाँ पे टाइप हो रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन ट्रांजिक्शन, यहाँ पे अगर ऑल में आते हैं तो आपको दिखता है, देखिए इफेक्ट वगैरह जो मैं आपको बताया था वीडियो आपका कैसे आएगा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे आप देखिए, अब मैंने प्ले करता हूँ, ठीक है, दिख रहा है आपको चेंजेस वगैरह दिख रहा है। तो ये सब चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। इफेक्ट्स में अगर हम जाते हैं, ठीक है, इफेक्ट्स में जाते हैं तो आपको ये देखिए आपको दिख रहा है, जैसे कि मैं कोई चूज करता हूँ, ठीक है, इसको प्लस कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है, आपका वीडियो वगैरह है, ये वीडियो है, इफेक्ट लागू, और ये देखिए दिख रहा है कुछ चेंजेस। तो ऐसा कुछ एडिट आप कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। उसके बाद और फोर्थ एलिमेंट, यहाँ पे आप जाइएगा ऑल में, तो देखिए आपको कुछ सिंबल टाइप का है वो सब चीज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इसको, जैसे कि मैंने इसको ये किया, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये चीज आपका यहाँ आ गया, सॉरी। वीडियो के बाद देखिए ऐसा कुछ अगर ऐड करना चाहे तो ऐड आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने ऊपर का सब भी जो भी ऑप्शन वगैरह था सब कुछ आपको बता दिया। उसके बाद अगर वीडियो आपको कटछट करना है तो बेसिकली जो ये सब बेसिक जो है जो आपको जरूरत पड़ेगा वीडियो एडिट करते टाइम, ठीक है, तो आप वीडियो प्ले कीजिए। मान लें इसको हमको यहाँ के बाद पार्ट हटाना है, ठीक है, ये पार्ट हटाना है, ये इफेक्ट्स पहले हमको पार्ट हटाना है, तो आपको सिंपली जाना है कट पे, देखिए ये जो टूल दिख रहा है आपने कटिंग है कैची का जो टूल है इस पे जाना है, इसको कट कर देना है, ठीक है। काट देने के बाद देखिए यहाँ से आप इसको चाहे तो हटा सकते हैं। ये आपका दो पार्ट में हो गया वीडियो, ये आपका वीडियो दो पार्ट में हो गया, और यहाँ से इसको आप कहीं भी इस पार्ट को ले जा सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, आप देख लीजिए, मैंने आपको बता ही दिया जो बेसिक जो है वो चीज आपको बता दिया। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन को हम लोग यूज करेंगे और बहुत बढ़िया काम करता है, अच्छा काम करता है। उसके बाद अगर वीडियो आपका रेडी हो गया, मान के चलिए आपका वीडियो रेडी हो गया, ठीक है, इतना मैंने वीडियो रेडी कर लिया अपना, 12 सेकंड का वीडियो, ठीक है, 12 सेकंड का वीडियो मैंने कर लिया भैया रेडी, ठीक है। जो भी था मैंने आपको कुछ बताकर ये समझिए कि आपका वीडियो हो गया रेडी। अब इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट देख रहे हैं, एक्सपोर्ट कीजिएगा तो आपका वीडियो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, सेव हो जाएगा। एक्सपोर्ट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ से एक पेज खुलेगा आपको, और ये आपको पूरा डिटेल मांगेगा कि इस वीडियो को आप क्या नाम देना चाहते हैं, उसके बाद नीचे आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं, कौन सा जगह है जहाँ पे इसको रखना चाहते हैं, किस फोल्डर में रखना चाहते हैं, रिजोल्यूशन क्या होगा इस वीडियो का, ठीक है, कौन सा रिजोल्यूशन देना चाहते हैं, आप यहाँ से उसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फ्रेम रेट आपका है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। साइज अब बताया कि आपका साइज कौन सा है, कितना एमबी का ये वीडियो बनेगा और कितना मिनट का ये वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पे चेंजिंग करके उसके बाद आप यहाँ पे सिंगल कर देना है एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। तो ये देखिए आपका वीडियो हो रहा है तैयार, ठीक है। अभी फिलहाल में इस वीडियो को तैयार हमको नहीं करना है, जरूरत ही नहीं है, तो इसको हम कर देते हैं कैंसिल। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, अब कब कीजिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड एंड जय हिंद।